वैसे तो यात्रा करने के तमाम तरीके हैं, लेकिन फिर भी हवाई जहाज की यात्रा को काफी सुखद और समय बचाऊ माना जाता है। समय ही एक ऐसा कारण है कि प्लेन में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे कई राज हैं जिन्हें की एयरलाइन कंपनियां छिपा कर रखती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं हवाई यात्रा और एयरलाइंस कंपनी से जुड़े कुछ रोमांचक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं प्लेन में डिम लाइट आखिर क्यों जलाई जाती है? कई लोगों को लगता है कि फ्लाइट में धीमी लाइट्स इसलिए जलाई जाती हैं ताकि यात्रियों की आंखों को आराम मिले और वो सोते हुए अपना सफर तय कर सकें। लेकिन इन सब कारणों से अलग प्लेन में धीमी लाइट्स इसलिए जलाई जाती हैं कि पावर सप्लाई में बचत हो। दरअसल रनवे पर लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान प्लेन को एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है, जिसकी वजह से फ्लाइट में जल रही सभी लाइट्स एकदम से बंद हो जाती हैं और उनकी जगह पर बहुत ही डिम यानी धीमी लाइट्स जल जाती हैं। फ्लाइट के दौरान पायलट्स को पैसेंजर्स वाला खाना नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, दरअसल फ्लाइट में आपको जो खाना मिलता है वो पायलट को मिलने वाले खाने से अलग होता है। एयरलाइन कंपनियां पायलट्स को पैसेंजर से अलग खाना सर्व करती हैं। दरअसल हवाई सफर के दौरान पायलट को हल्का फुल्का खाना परोसा जाता है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अगर पायलट को यात्रियों की तरह तला भुना या ज्यादा मसालेदार भोजन दिया जाए तो वो पेट खराब होने की वजह से टॉयलेट में ही फंसा रह जाएगा। फैक्ट नंबर 3, सोचिए कि आप एक प्लेन में बैठे हो और आपका पायलट सो जाए तो कैसा रहेगा? ये सुनने में थोड़ा डरावना है, लेकिन यही सच है। दरअसल ऊंचाई पर जाने के बाद प्लेन के अंदर एयर पॉकेट्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से पायलट को नींद आने का एहसास होता है। ऐसे में पायलट सोने से पहले प्लेन को ऑटो पायलट मोड ऑन करता है। लेकिन घबराइए नहीं, एक पायलट के सोने के बाद दूसरा पायलट जगा रहता है। इस तरह पायलट के सो जाने के बाद भी प्लेन आराम से हवा में उड़ता रहता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिबिटिक को सब्सक्राइब जरूर कर लें।